दोस्तों अब तेजस फाइटर जेट को वो ताकत मिलने जा रही है जिसके दम पर तेजस फाइटर जेट वो फाइटर जेट बन जाएगा जिसके सामने भिखारिस्तान का F-16 और चाइना का JF-17 थंडर और J-10C कुछ ही मिनटों में घुटने टेक देंगे। दरअसल दोस्तों HAL 2023 के अंत में तेजस फाइटर जेट से अस्त्र मिसाइल S-RAM मिसाइल रुद्रम मिसाइल के टेस्ट होने जा रहे हैं और अब तो HAL ने तेजस फाइटर जेट में ड्यूल पाइलोन रैक को भी लगा दिया है जिस वजह से तेजस फाइटर जेट काफी आराम से अस्त्र मिसाइल रुद्रम मिसाइल S-RAM मिसाइल को दाग सकेगा। जैसे ही MBDA की स्कैल्प मिसाइल को भारत में बनाना शुरू कर दिया जाएगा उसके बाद तेजस फाइटर जेट स्कैल्प मिसाइल को भी दाग सकेगा जिससे तेजस फाइटर जेट की मारक क्षमता 550 किलोमीटर तक हो जाएगी। 2025 में ब्रह्मोस मिसाइल भी तेजस फाइटर जेट से टेस्ट की जाएगी। जैसे ही ये मिसाइल लग जाएंगी उसके बाद पाकिस्तान और चाइना का कोई भी फाइटर जेट नहीं